हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पारुल एंड यू वाचिंग दिल्ली वाली। आज का दिन है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और मैं करने वाली हूँ एक लुक क्रिएट, गोपी लुक। एंड गोपी लुक में क्या क्या ड्रेसेस पहनते हैं एंड उसमें कैसा मेकअप होता है, और मैं पूरा मंदिर का ब्लॉग आपको दिखाऊंगी, स्कॉन टेम्पल का। देखो भाई, आप धार्मिक हो तभी देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ें होने वाली हैं, बट मज़ा भी बहुत आएगा इसमें। अगर आप घाटू श्याम वाले या कान्हा जी के भक्त हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। मजा नहीं आ रहा है। नाउ आई एम अप्लाइंग माई फाउंडेशन। हाँ, सब बोल रहे होंगे कि व्लॉग में मैं क्या दिखा रही हूँ। मैं जल्दी जल्दी मंदिर जा रही हूँ, बट दिस इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। काजल वी विल अप्लाई ओनली ऑन द आउटर साइड। मेकअप करते हुए कभी आपका ऐसे 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 मुंह बन जाता है कि आपके साथ भी होता है ऐसे, सब तो होता है। ये अपनी ट्रिक है, ये आप लोग भी यूज कर सकते हो। मुझे मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर जॉब छोड़ दूं? ओ, इधर देखना था। अब आई एम गोना अप्लाई माय लाइनर। इसमें तो मैं प्रो, हाँ देखते खराब ना हो जाए प्रो के बोलने के चक्कर में। ओह, लग गया। लुकिंग ब्यूटीफुल ना। इसी बारे में ना मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। वहाँ पे क्या हुआ, सुबह सुबह को एक स्टूडेंट को क्लास देनी थी। उसकी क्लास ना 8 बजे थी रात को, आज संडे को उसके एग्जाम्स है ना। तो मैंने रख तो थी क्लास ना, मुझे मैसेज आया कि आज प्रोग्राम है आपको आना है। और फिर मैं ना सोचने लगी कि मैं कैसे करूँ यार, क्लास तो स्किप कर नहीं सकते बच्चों की। फिर 1 बज गया। अरे कहना क्या चाहते हो? फिर ना उसकी मॉम का खुद ही फ़ोन आ गया कि आप ले सकते हो मतलब अभी क्लास। बोला अरे वाह, क्या चमत्कार किया भगवान ने। दिस इज माई फेवरेट शेड जैकी। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई इनर साइड ऑफ द आई। देख रहे हो गरीब इंसान क्या हो गया मेरे फंक्शन। ठीक है, आपको अपनी ड्रेस के बारे में बताती हूँ। ये जो ड्रेस है ना, इसको बोलते हैं गोपी ड्रेस। इसमें स्कर्ट होती है, फिर उसके ऊपर टॉप होता है, और उसके ऊपर आपको ना दुपट्टा पहनना होता है एक सुंदर सा। तो इस स्टाइल को बोलते हैं गोपी स्टाइल। मतलब जैसे किशन जी होते थे ना, उनके आसपास गोपियाँ मंडराती थी। मतलब वी आर जस्ट लाइक दैट। क्या बढ़िया था गुरु। इसका नाम है गोपी चंदन। मैंने कुछ ये बनाया है, फ्लावर्स सुंदर लग रहे हैं ना। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब आते हैं बालों पे। दिस इज मैचिंग। कितना अच्छा लग रहा है यार। देखो यहाँ पे पल्लू तगड़ा बन रहा। देख तेरी साइड वाली आंटी तैयार भी होली है री, कब होगी? चलते हैं मंदिर।
हरी बोल। ये है प्रसादम और ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी। और मैं यहाँ ना बहुत जल्दी ही खा रही हूँ इसको, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा लेट। तो इसलिए मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके। ठीक है, तो मिलते हैं घर पे। हेलो गाइस, मैं तो आ चुकी हूँ वहाँ से और भाई बहुत मज़ा आया। आपने भी वीडियो में देखा होगा ना कितना मज़ा आ रहा था। एंड पता है बहुत ज़्यादा भीग गई वहाँ ना, बारिश हो रही थी और मुझे तो घर आना ही था क्योंकि अभी ना बज गए हैं ऑलमोस्ट 10 o'clock हो चुका है रात का। देखो मैं ये बैग लेके गई थी, ये मैंने ना अपने हाथों से बनाया था खुद। ये वाला बैग आपको मैं दिखाती हूँ, रुको एक सेकेंड। ये देखो मैं कैसे लग रही हूँ। दिस इज कॉल्ड गोपी ड्रेस। यस यस, सॉरी ये मैंने लगा रखा था पीछे। अरे ऐसे है ऐसे। आज सभी मुझे वहाँ पे कह रहे थे आप इतने सुंदर लग रहे हो, आप इतने सुंदर लग रहे हो। वो मैं ये भी लगा के गई थी ना, दे थॉट कि आज मेरा बर्थडे है, पर आज मेरा बर्थडे नहीं है गाइस। लग रही है ना अच्छी, कितनी ज़्यादा अच्छी। बेड पूरा फैला हुआ है पीछे, जस्ट मैं इसको रात के टाइम साफ करके सोऊंगी पूरा। बेटा तुमसे ना हो पाएगा यार, ये इयररिंग्स ना बहुत दर्द कर रही है तब से। गंदे ट्रांजिशंस देते हैं ना, इतने गंदे ट्रांजिशंस देती है मैं, हम तो पक ही जाते हैं। मतलब ये व्लॉग नहीं है, ये टिकटॉक चल रहा है ऐसा लग रहा है ना, यही सोच रहे होंगे ना आप। पर यार क्या करूं, आपने देखा ना वीडियो में कितना ज्यादा मजा आया। अच्छा तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करना, ठीक है, सबसे पहले शेयर भी करना और कॉमेंट भी करना बहुत सारे कि आपको मैं, मेरी वीडियोज और मेरे गाने कैसे लग रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग देखना और आपको ये बताना कि और मैं किस किस चीज़ पे आप मेरे को देखना चाहते हो वीडियो बनाते हुए, और मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। और तब देखते हैं।